नमस्कार बच्चों, अभी हम लोग आज हम लोग जो है ट्रेन का बेसिक पढ़ेंगे। ये ट्रेन के बेसिक का फर्स्ट वीडियो होगा, है ना बच्चों। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के इससे पहले 7 और 2 9 वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस के मैंने दिए हैं। अभी हम लोग ट्रेन का बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे सवाल से ट्रेन को समझेंगे। तो उसका ये फर्स्ट क्लास है बच्चों, मतलब एकदम शुरू से सवाल लेकर के। तो ये धीरे धीरे इन्हें कठिन करते हुए एकदम शुरू से बच्चों, जिससे आसान सवाल कोई मतलब जहाँ से शुरू हो सकता है उससे लेके हम लोग धीरे धीरे सभी तरह के सवालों के बेसिक समझते हैं। ठीक बच्चों, तो ट्रेन के कॉन्सेप्ट में ध्यान देना बच्चों, बहुत काम की बात है। जैसे एक पॉइंट समझो कि ट्रेन के क्वेश्चन की हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेन का क्वेश्चन जो है वो ट्रेन का है। बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन ट्रेन का है? तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन लिखा है तो ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन के क्वेश्चन का मतलब कि जिसमें ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट की पहचान क्या है हमें, जो ट्रेन के कॉन्सेप्ट में जो चैप्टर का नाम है बच्चों वो टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बोट रेस ये है। तो अगर ट्रेन को अलग से कहा गया है तो ट्रेन का कुछ तो मतलब ट्रेन में एक अलग तो कुछ होगा ना बच्चों, तो अलग क्या है? तो ट्रेन के केस में जो अलग है वही उसकी पहचान है। तो अलग क्या है? जैसे अगर ये 200 मीटर की दूरी पर एक पोल है बच्चों, और एक आदमी अगर कहा जाए, एक आदमी है बच्चों, वो आदमी यहाँ तक पहुँचने का समय और इसको पार करने का समय अगर उसकी चाल 5 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों का आंसर सेम होगा ना। 200 मीटर की दूरी तक जब वो यहाँ पहुँचेगा और जब पार करेगा तो दोनों में थोड़ा तो अंतर आ जाएगा, लेकिन अगर कहा जाए कि पहुँचने का समय और पार करने का समय, तो चूंकि दूरी ये जो 200 मीटर है इसके सामने इस आदमी की जो मोटाई है इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए आंसर दोनों प्रश्न का सेम होता है, 40 सेकेंड सेम होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये आदमी था, 200 मीटर की दूरी है उसके सामने, जब वो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा तो थोड़ा अंतर आ जाएगा बच्चों, लेकिन इस दूरी को इग्नोर करके जो है 200 दूरी ही रखेंगे दोनों केस में। लेकिन अगर यहीं पर एक ट्रेन अगर हो, आदमी ना हो और ट्रेन हो बच्चों, ट्रेन की खुद की लेंथ अगर 50 मीटर हो, तब अगर ये कहा जाए कि 200 मीटर दूर जो पोल है इसको अगर कहा जाए कि पहुंचने तक का समय बच्चों और कहा जाए कि पार करने का समय, तो अब दोनों में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे अंतर क्यों नहीं आया? क्योंकि 200 मीटर के सामने आदमी की मोटाई को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन ट्रेन का जब केस होगा तो 200 मीटर की दूरी के सामने 50 मीटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर कहा जाए कि ट्रेन को पोल तक पहुंचने का समय क्या होगा, तो बोलो बच्चों ट्रेन को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, तब 200 बटे 5, अगर इसकी चाल भी 5 है तब बच्चों 200 बटे 5 होगा। और अगर कहा जाए कि ट्रेन पोल को पार करने का समय क्या होगा, तो ये ट्रेन पार जब करेगी तब ये दूरी प्लस अपनी लंबाई, है ना बच्चों, जब यहाँ थी तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितनी दूरी चली वो, ये दूरी प्लस अपनी लंबाई, तब दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, तब 250 आ जाएगी। तो इस तरह से ये अंतर हो जाता है, समझ गए बच्चों। तो इसीलिए ट्रेन के क्वेश्चन में क्या अंतर आ गया कि दूरी के सामने अगर लंबाई को इग्नोर नहीं किया जाए तभी ट्रेन का क्वेश्चन होगा। अगर यहाँ पर दूरी के सामने लंबाई को इग्नोर ना किया जाए बच्चों, ट्रेन की लंबाई जो है अगर इस्तेमाल में आ रही है तभी वो ट्रेन का क्वेश्चन कहलाएगा। तो यही ट्रेन के क्वेश्चन में अंतर है, यही अलग है। अब ट्रेन के क्वेश्चन क्यों एकदम शुरू से चलते हुए बच्चों,
जहाँ से जब मतलब ये हमने जो बेसिक बताया है, अब ट्रेन के क्वेश्चन में इसी में शुरू चलते हैं। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों। देखो, एक ट्रेन एक पोल को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी लंबाई 600 मीटर और चाल 63 है। तो सबसे पहला जो सवाल बन सकता है वो इस तरह का बनेगा, कैसे सॉल्व करोगे, पोल की ट्रेन की लंबाई कितनी बच्चों, 600 और चाल 63 है, तो यहाँ पर 600 दूरी है और 600 पोल की जो ट्रेन की लंबाई 600 है, तो 600 दूरी क्यों है बच्चों, पोल को पार करते समय ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी, तो 600 दूरी हो गई और चाल कितनी है 63 है, तो 63 अगर चाल है तो 63 को किलोमीटर पर आवर में है, क्या बताया गया था बच्चों, 18 किलोमीटर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके हिसाब से चलो तो सीधे बना सकते हो कि 18 + 3 = 54 15 हो गया ये 3 गुना, और 54 में 9 जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा, तो 18 × 3 = 5 × 3 = 15 और 2.5 सीधे लिख सकते हो बच्चों। और जरा भी दिक्कत लगे तो वो 5/18 करके, तो ये चाल मीटर पर सेकेंड में आ गई। अब कितने समय में पार करेगा बोलो, तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी अपनी लंबाई, बच्चों इतनी लंबाई चलनी पड़ेगी और चाल कितनी आ गई बताओ, 17.5। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। सबसे आसान क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें अगर हम लोग जो असाइनमेंट तुम्हें देंगे बच्चों इसमें जो और जो मतलब पीडीएफ जो तुम्हें उसमें जो है इसी तरह से शुरुआत होगी, डिजिट बदली हुई है मैंने उसमें। जैसे यहाँ पर पहला सवाल जो रहेगा उसमें क्या रहेगा कि जो है ऑब्जेक्ट 0 लंबाई का है, जिसको क्रॉस किया जा रहा है उसकी लंबाई 0 है और वो रुका हुआ है ना बच्चों। ये ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है ट्रेन के सामने 0 है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इससे आसान सवाल कोई नहीं बन सकता। अब अगले सवाल में आओ, एक स्टेप आगे का सवाल हुआ बच्चों। इसमें क्या है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई जिसकी चाल 72 है और लंबाई 450 है, वह आधे किलोमीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्ट 0 लंबाई का था, पोल था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, प्लेटफॉर्म है, इसको कितनी देर में पार करेगी, जबकि ट्रेन की लंबाई कितनी है बताओ, 450 है, और ऑब्जेक्ट जो है हमने क्या बताया बच्चों पिछले सवाल में, ऑब्जेक्ट 0 लंबाई का था और रुका हुआ था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है लेकिन उसकी लंबाई है। अब अगर एक स्टेप आगे का सवाल हुआ बच्चों, ये चाल कितनी है बताओ, 72 की है, 72 को क्या कहोगे, 18 × 4 = है ये, तो मीटर पर सेकेंड में कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड यह आ जाएगा। अब चाल कितनी है बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन को इसको पार करने में कितना दूरी चलनी पड़ेगी अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी है बच्चों, 500 मीटर। अब कुल दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, 500 प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी, तो ये कुल दूरी आ गई, और चाल कितनी है बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया आंसर। सबको समझ आया बच्चों। पिछले सवाल में क्या था, ऑब्जेक्ट जो है रुका, सिर्फ ट्रेन से मतलब था, अगर ट्रेन का सवाल है तो ट्रेन तो रहेगी बच्चों। पहला सवाल क्या बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट 0 लंबाई का है और चल भी नहीं रहा है, दूसरा सवाल क्या बना जिसमें ऑब्जेक्ट की लंबाई है लेकिन वो रुका हुआ है, ठीक है। तो अब दूरी जो है 500, अगर ये ना होता तब दूरी खाली ट्रेन की होती बच्चों, लेकिन ये भी है तो दोनों जोड़ा जाएगा, इस तरह से दूसरा सवाल हुआ। इससे एक स्टेप और आगे चले बच्चों, अब देखो अगला सवाल में क्या है। तो यहाँ पर एक ट्रेन जिसकी लंबाई 450 मीटर है, और जो 81 किलोमीटर की चाल से एक बाइक जो उसी दिशा में चल रही है उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आर की है, को कितने समय में पार करेगी। आप देखो बच्चों, इस सवाल में नया क्या हो गया, ये सवाल में पहले सवाल से कंपेयर करो तो पहले सवाल जैसा है लेकिन क्या अलग है, देखो जरा ध्यान देना बच्चों। ट्रेन की लंबाई कितनी है, देखो एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं बच्चों, है ना, ऐसे नहीं कि हम कहीं से सवाल लेके, पहले सवाल से एक स्टेप आगे हुआ दूसरा सवाल, दूसरे सवाल से एक स्टेप आगे हुआ तीसरा सवाल, है ना। इसमें क्या अलग है बच्चों, देखो एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है 450 मीटर, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई खुद की 450 मीटर है, जो 81 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है उसी दिशा में, और बाइक जो है दूसरा जो बाइक है, बाइक की चाल कितनी है बच्चों 27 किलोमीटर पर आवर की है,
ये कह रहा है उसी दिशा में चल रहा है, कितनी देर में क्रॉस करेगा। तो आप कंपेयर करो पहले वाले सवाल से, तो पहले सवाल से कैसे अलग है यहाँ पे कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था बच्चों, पोल था, तो पोल की लंबाई जीरो थी तो बाइक की लंबाई भी जीरो मानेंगे। और अंतर क्या है बच्चों, पोल रुका हुआ था, यहाँ पोल भी यानी बाइक भी चल रही है, ये है। तो आप बोलो बच्चों क्या होगा, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी अब यहाँ पे बाइक की लंबाई का 450 के सामने छोड़ा जा सकता है बच्चों, बाइक की लंबाई अगर दी गई हो तब उसको यूज़ करो, कुछ नहीं कहा गया तो जीरो समझोगे। तो दूरी कितनी आ जाएगी बोलो, 450 मीटर। और चाल जो आ जाएगी अब रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना बच्चों, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ से ये कितना हुआ, अगर देखोगे अगर मतलब ये मीटर पर सेकंड बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 18 का 4 गुना 72 और 9 तो कितना आ जाएगा, ये 22.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और ये कितना होगा, 27 को क्या लिखोगे, 7.5 मीटर पर सेकंड। और अंतर कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड घटा दोगे, या फिर सीधे सीधे इनको घटा दो कितना आ जाएगा बच्चों, 54 आ जाएगा, घटाओगे तो 54 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगी बच्चों, घट जाएगी ना, तो 54 को क्या लिखोगे, 15 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, 450 मीटर ट्रेन की लंबाई, और रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितने समय में पार करेगा, 450 बटे 15 यानी कितना बच्चों, 30 सेकेंड। सबको समझ में आया, तो ये हुआ ट्रेन संबंधी तीसरा सवाल। ठीक बच्चों, पहले सवाल जैसा ही है, पहले और तीसरे में कंपेयर करते जाओ, सब तैयार बहुत आसानी से दिमाग बैठता जाएगा ना, पहले सवाल से कैसे अलग है, दूसरे की इसमें ये चल रहा है उसमें रुका था, दूसरे सवाल में से कैसे अलग है बच्चों, दूसरे सवाल में ऑब्जेक्ट की लंबाई थी इसमें नहीं है, और दूसरे सवाल में वो रुका हुआ था यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया, अगले सवाल में है, तीसरे ये तीसरा सवाल हुआ, इसके आगे चले बच्चों, फोर्थ सवाल देखो, 450 मीटर लंबी ट्रेन, तो यहाँ पर अब बता देखो इसमें कि क्या अंतर है। तो एक 450 मीटर लंबी ट्रेन, एक आदमी जो 27 की स्पीड से विपरीत दिशा में आ रहा है को 15 सेकंड में पार करता है, ट्रेन की चाल बताओ। तो अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, इसमें और उसमें अभी जस्ट पहले थर्ड और फोर्थ में क्या अंतर है बच्चों, थर्ड और फोर्थ में बस अंतर ये है कि वहाँ पे डायरेक्शन सेम था और यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो गया है ना। एक 450 मीटर लंबी ट्रेन है तो दूरी कितनी चलेगा बताओ, 450, दूरी कितनी होगी 450, और ट्रेन जो है 27 की चाल से जो है आदमी जो है ट्रेन उसकी चाल 27 की है, ट्रेन की चाल नहीं पता है, और दोनों की चाल अब कैसी है बच्चों, अपोजिट है 27 किलोमीटर पर आर की। अब तुमसे पूछ रहा है कितनी देर में पार करती है, समय दिया हुआ है, समय कितना है बताओ, 15 सेकेंड। अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल बताओ, तो ऐसे में यहाँ पर चाल बराबर ये दोनों का ट्रेन की चाल नहीं पता है बच्चों, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा बताओ, दूरी बटे समय, तो 450 बटे 15 कितना आ जाएगा बच्चों, 450 बटे 15 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया चाल। अब ये चाल कौन सी है बताओ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों जुड़ रही होंगी। तो अब ये चाल अगर x है बच्चों और 27 को क्या कहोगे बताओ, 18 का मतलब 5, 18 और 9 का मतलब 2.5, तो 27 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये दोनों अपोजिट है ना, तो दोनों जुड़ेंगी, तो सापेक्ष चाल क्या आएगी बताओ, x प्लस 7.5, तो क्या कहोगे बच्चों, x प्लस 7.5 बराबर कितना है बताओ, 30। अब यहाँ से x पता चल गया, कितना आ गया बच्चों, 22.5। अगर मीटर पर सेकंड में पूछा जाएगा तब 22.5 बच्चों, और अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा जाएगा तो 20 का मतलब कितना हो गया, 18 का 4 गुना यानी 72, और 2.5 का मतलब 9, 72, 9, 81। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा जाएगा तो 81 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर। ठीक बच्चों, दोबारा समझो और इसे और आसान तरीके से बता दे रहे हैं, पहले इससे समझ लो, दूरी कितनी है बताओ 450, चाल बाद में देखेंगे बच्चों, समय कितना है बताओ 15 सेकेंड, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो पहले चाल निकाल लो, चाल निकाल ली हम लोगों ने, कितनी आ गई बताओ 30 मीटर पर सेकेंड। अब 30 मीटर पर सेकेंड कौन सी चाल है बच्चों, दोनों का रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड
अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी बताओ, जुड़ेगी। तो x और ये कितना है बच्चों, 7.5 मीटर पर सेकेंड है। x प्लस 7.5 बराबर 30, तो x बराबर 22.5 आ गया, यहाँ से बदल लिया। एक तरीका ये हो गया। उसके अलावा और कैसे, जैसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे बच्चों, दूरी 450 है, ये x मान लो, और चूंकि ये मीटर में है और ये, तो इसीलिए इसे मीटर पर सेकेंड बदल लो, या फिर अगर किताब में देखोगे तो ऐसे सॉल्व होगा, दूरी 450 बराबर बराबर इसको x मान लिया बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ये आएगा तो किलोमीटर पर आर में ही पेपर में पूछेगा, तो उसमें जो है इस तरह से x प्लस 27 और ये किलोमीटर पर आर में आ गया, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसमें बदल गया बच्चों, मीटर पर सेकेंड में। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना लगाया बताओ, 15 सेकेंड, ये हो गया बच्चों। तो ऐसे जो है अगर तुम चाहो तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। दोबारा सुन लो बच्चों क्या कह रहा है, दूरी 450 है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कैसी है बताओ, x प्लस 27 अपोजिट है इसलिए जुड़ा, और 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया, ये किसमें बताओ किलोमीटर पर आर में, ये किसमें बताओ मीटर में, ये किसमें रख रहे हो बच्चों सेकंड में, तो ये किसमें रखोगे मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या किया, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 15, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हो गया। एक तरीका इससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो जो हमने बताया है उससे सॉल्व कर लो, आसान ये भी है बच्चों, समझ गए हो सभी लोग, ठीक है। ये हुआ फोर्थ सवाल, एक दूसरे से कंपेयर करते चलो। इस सवाल में क्या था बताओ, दो ये इससे पहले वाले दोनों सवाल सेम है ना, इसमें सेम डायरेक्शन था उसमें और इसमें अपोजिट है। पाँच में देखो तो क्वेश्चन हम इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 750 मीटर है और 63 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में 45 की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को एक मिनट में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। अब बोलो बच्चों तो क्या करोगे इसमें, कि अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो पहली ट्रेन की लंबाई जो है 750 है और इसकी चाल कितनी है बच्चों 63 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, नहीं पता है, और चाल कितनी है बच्चों 45 किलोमीटर पर आर की है, और कितनी देर में पार करते हैं बताओ एक मिनट में, ये कह रहा है। अब देखो बच्चों अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो तीन चीज़ें लिखो कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। तो टाइम कितना लगा है बच्चों मीटर पर सेकंड के हिसाब से लिखोगे तो यहाँ पे एक मिनट लगा है, एक मिनट है। दूरी कितनी ट्रेवल हुई है बताओ, एक को एक्स मान लो 750 प्लस एक्स, और चाल कितनी है अपोजिट है तो जुड़ेगा 63 और 45। अब इक्वेशन बन जाएगी, बेसिक तरीके से थोड़ा सा लिखना रहेगा है ना, ऐसे वर्बल लग सॉल्व हो जाएगा बच्चों। 750 प्लस एक्स और ये कितना आ जाएगा 63 प्लस 45 108 आ जाएगा बच्चों, इंटू 5/18 करोगे और इंटू एक मिनट का मतलब ये अपने मीटर पर सेकंड में रख रहे हैं बच्चों, तो एक मिनट को 60 सेकंड लग जाएंगे। बेसिक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। ऐसे मत सॉल्व करो बल्कि इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करो, वर्बल सॉल्व हो जाएगा बच्चों। 63 और 45 दोनों जुड़ करके कितना आ जाएगा बच्चों 108 आ जाएगा, ये 108। 18 का कितने गुना है बताओ, 6 गुना, तो चाल कितनी आ गई बताओ, 18 का 6 गुना है तो 5 का 6 गुना बच्चों, 18 का मतलब 5 है तो 5 का 6 गुना 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो चाल कितना आ गया बताओ 30 मीटर पर सेकेंड। इस चाल से कितनी देर यात्रा हुई है, समय कितना लगा है बच्चों एक मिनट, समय कितना लगा है बताओ एक मिनट, तो एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में ट्रेवल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेकेंड में ट्रेवल दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 60 गुणे 30 यानी कितना बताओ 1800 कुल दूरी आ जाएगी। उस 1800 कुल दूरी में से, उस 1800 कुल दूरी में से एक दूरी कौन सी है बताओ 750, तो दूसरी दूरी कौन सी हो जाएगी, 1800 में से 750 हटा दो कितना आ जाएगा बच्चों 1050। ये हो गया इसका सही तरीका। फिर से सुनो बच्चों क्या करेंगे, अपोजिट नेचर है तो चालें जुड़ गई, 108 यानी कितना बताओ 18 का 6 गुना यानी 30 मीटर पर सेकंड हो गया। समय कितना लगा है बच्चों एक मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड में इस चाल से चली दूरी कितनी आ गई बताओ 1800, इस 1800 में कौन सी दूरी है बताओ, ये 1800 दोनों की लंबाई है बच्चों। अब एक की लंबाई पता है हमें, उसकी लंबाई हटा दोगे तो दूसरे की लंबाई हमें पता चल जाएगी,
सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये हुआ बेसिक तरीका, जो है यही काम लिख के करो। दूरी ये है चाल, और इसको मीटर पर सेकंड बदल लो इनटू समय। ठीक बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 450 मीटर व चाल 63 है विपरीत दिशा में, तो पिछले सवाल और इसमें अंतर क्या है बच्चों? कोई अंतर नहीं, सेम क्वेश्चन हो गया ये, विपरीत दोनों विपरीत हो गए। तो बोलो बच्चों क्या रहेगा? एक सेम डायरेक्शन और एक विपरीत बनना चाहिए था, तो यहाँ पे खैर दोनों जैसा इसमें वैसे उसमें सॉल्व करोगे। तो बोलो बच्चों क्या करोगे? अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो चाल कितनी कितनी आ जाएगी? 63 एक की चाल है और लंबाई कितनी है बताओ? 450 है। दूसरे की कितनी बच्चों? 350 है। और कुल समय कितना लगा है बताओ? 30 सेकंड ये कह रहा है। दूसरी ट्रेन की चाल बताओ, तो क्या अंतर है दोनों सवालों में? विपरीत तो सेम है दोनों में, अंतर सिर्फ ये है कि पिछले सवाल में एक की लंबाई नहीं दी थी, इसमें क्या है बताओ? पिछले सवाल में एक की लंबाई नहीं पता थी और यहाँ पे एक की चाल नहीं पता है ना बच्चों। तो अब दोनों से अगर बेसिक तरीके सॉल्व करोगे तब क्या करोगे? दूरी कितनी आ जाएगी बोलो? दूरी आ जाएगी यहाँ पर 800 दूरी आ जाएगी, दोनों को जोड़ोगे। चाल कितनी आ जाएगी बच्चों? x मान लो इसको, और 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बदल लो, और टाइम कितना है बताओ? 30 सेकंड। एक तरीका तो ये हो जाएगा सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? बेसिक तरीके से जो है ये तरीका हो गया बच्चों, और नहीं तो सही तरीका क्या है? ये दूरी कितनी ट्रेवल हो रही है बताओ? दूरी कितनी ट्रेवल हो रही है बच्चों? दूरी ट्रेवल हो रही है 800। ये 800 दूरी कितनी देर में ट्रेवल हो रही है बताओ? कितनी देर में ट्रेवल हो रही है बच्चों? 30 सेकंड में। तो बोलो दूरी 800 है और समय कितना है बताओ? 30 सेकंड। तो ये क्या आ गया बताओ? दूरी बटे समय करोगे तो चाल आ गई। चाल कितनी आ गई बच्चों? 80/3 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। ये कौन सी चाल हुई बताओ? ये कौन सी चाल हुई? रिलेटिव स्पीड हुई। अब रिलेटिव स्पीड कौन सी है बताओ बच्चों? ये दोनों को जोड़ करके है। इसमें ये कितना है? ये हम लोग 63 निकाल सकते हैं। ये कितना है बच्चों? तो ये 54 जो है 18 का 3 गुना, 54 में 9 जोड़ोगे तो ये कितना है बताओ? 54 जो है 15 हो जाएगा और 17.5 हो जाएगा बच्चों, ये 17.5। तो 17.5 इसका हो गया। अब दोनों की चालों का योग ये क्या आ गया बच्चों? दूरी बटे समय करोगे तो ये चाल आ गया, और चाल कौन सी आई? अपोजिट है ना, तो चालों का योग आ गया। अब ये एक की चाल, ये दोनों की चालों का योग है, उसमें से ये हटा दोगे तो दूसरे की चाल आ जाएगी। कितना आ जाएगा बोलो? 80/3 में से 17.5 हटा दोगे। ये हो गया बच्चों सही तरीका, और ये हो गया इसका बेसिक तरीका। ठीक है, यहाँ से जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आर में आएगा, यहाँ पे क्योंकि ये किलोमीटर पर आर में माना गया है ना, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आर में आएगा, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। दोबारा सुन लो बच्चों, क्या करोगे? ये दूरी कितनी है बताओ? 800। ये 800 दूरी कितनी देर में ट्रेवल हुई है बताओ? 30 सेकंड में। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई बताओ? 80/3। 80/3 कौन सी चाल आ गई बताओ? दोनों की चालों का योग, अपोजिट में जुड़ेगा ना बच्चों। एक की चाल कितनी है? 17.5। तो दोनों का योग जो है ये है, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 80/3 में से 17.5 हटा दोगे। ये हो गया इसको सॉल्व करने का सही तरीका, और बेसिक तरीका ये है। ठीक बच्चों, अगले सवाल में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 45 मीटर और चाल 99 किलोमीटर पर आर की है, एक दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है जिसकी लंबाई 250 और चाल 45 किलोमीटर पर आर की है। ज्ञात कीजिए कि तेज ट्रेन का ड्राइवर दूसरी ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करेगा। तो ये सवाल बच्चों, ये सवाल जो है थोड़ा अलग है। तो अभी तक देखो जो ट्रेन की एक पॉइंट जो इसमें नया है वो क्या है कि यदि एक ट्रेन का ड्राइवर या कोई भी आदमी दूसरी ट्रेन को पार करे तब बच्चों क्या होता है? जैसे अगर एक ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन,
अगर ये ट्रेन इसको पार करती है बच्चों, तो इस पोजीशन में पार करती हुई शुरू करेगी, और जब ये यहाँ पे आ जाएगी तब पार किया हुआ माना जाएगा। तो इतनी दूरी ट्रेवल हुई ना, इतनी दूरी ट्रेवल हुई, तो इसीलिए लंबाइयाँ जोड़ी जाएंगी। लेकिन अगर एक ट्रेन का ड्राइवर दूसरी ट्रेन को पार करता है, तब जैसे जैसे ये ट्रेन का ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति जो इसमें बैठा हुआ है, ये अगर इसको पार करता है, तब क्या होगा कि तब ये पार करना शुरू किया उसने, और यहाँ पे जब आ जाएगा तब पार किया हुआ माना जाएगा। तो नियम ये होता है कि जब कोई इंसान के बारे में कहा जाए, तब लंबाई या दूरी उसकी कंसीडर होगी जिसमें आदमी नहीं बैठा है, है ना बच्चों, जिसमें आदमी नहीं बैठा है। अगर ट्रेन क्रॉस ना कर रही हो, जैसे ये आदमी इस ट्रेन को क्रॉस कर रहा हो, तो ये जब इस पोजीशन में आएगा तो क्रॉस किया वो माना जाएगा। इसको जो आदमी जिस ट्रेन में बैठा है उसकी लंबाई से कोई मतलब ही नहीं बच्चों, ये आदमी किसको पार कर रहा है, इस ट्रेन को। तो ये आदमी जो है जब इस पोजीशन पर रहेगा तब शुरू करेगा और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये दूरी जो ट्रेवल हुई है वो कौन सी हुई है, जिसमें वो नहीं बैठा है, तो वही लिखा गया है लंबाई या दूरी उसकी कंसीडर होगी जिसमें आदमी नहीं बैठा है। ये है। अब कब होगा बच्चों ऐसा, जब एक ट्रेन का ड्राइवर या कोई गार्ड या कोई इंसान दूसरी ट्रेन को पार करे, तब ऐसा होता है। उसी वजह से एक क्वेश्चन है इसमें, बाकी तुम्हें उसमें पीडीएफ जो मिलेगा बच्चों उसमें कई क्वेश्चन होंगे। तो एक सवाल देखो इसमें क्या कह रहा है, आसान है, बस नया यही था कि यहाँ पे लंबाई ऐड नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 45 मीटर व चाल 99 की है, 45 मीटर लंबाई है बच्चों और चाल 99 किलोमीटर पर आर की है, एक दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करता है जिसकी लंबाई 250 मीटर है, 250 है और चाल कितनी है बच्चों 45 किलोमीटर पर आर है। यहाँ पे इसमें 250 है ना, तो इसे 450 रहा होगा बच्चों, ये 45 को 450 कर लो, 250 के सामने 45 ठीक नहीं है, 450 कर लो इसे। तो आप फिर से सुनो, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 450 है, चाल कितनी है बच्चों 99 की है, दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करता है जिसकी लंबाई 250 है और चाल कितनी है 45 है। ज्ञात कीजिए कि तेज ट्रेन का ड्राइवर दूसरी ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करेगा। तो बोलो बच्चों, ड्राइवर किस पे बैठा है बताओ, तेज ट्रेन पर, तो ड्राइवर इस पे बैठा है, तो लंबाई किससे मतलब होगा बताओ, ड्राइवर जिस ट्रेन पे बैठा है, जिस ट्रेन पे भी आदमी बैठा होगा उसकी लंबाई को क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए हमेशा जिस पर वो नहीं बैठा है वो लिया जाएगा। तो अब दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, दूरी जो आ जाएगी वो इससे मतलब होगा 250 से, और चाल कितनी आ जाएगी, सेम डायरेक्शन है तो 99 माइनस 45, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये 54 आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आर, और इसको क्या लिख दोगे बच्चों, 18 का 3 गुना है तो 5 का 3 गुना 15 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो बच्चों, अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस, ध्यान देना बच्चों सब लोग, अगर ये ट्रेन इसको पूरी क्रॉस कर रही होती तब लंबाई क्या होती बताओ, लंबाई जोड़ी जाती, दोनों को जोड़ दिया जाता, लेकिन इस ट्रेन का ड्राइवर इसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उससे कोई मतलब नहीं होगा, दूरी जो होगी सिर्फ 250 होगी। सब लोग समझ गए बच्चों, चाल के लिए रिलेटिव स्पीड का जो नियम है वो लगेगा, चाल कितनी आ जाएगी 15, तो अब बोलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 250 बटे 15, ये हो गया। यहाँ पे करेक्शन नहीं भी करोगे इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ेगा 450 या 45, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता बच्चों कि धीरे ट्रेन का ड्राइवर या गार्ड कितनी देर में इसको क्रॉस होता देखेगा, अगर आदमी इसमें बैठा होता तब वो इसको क्रॉस होता देखता बच्चों, तब जब जिसमें आदमी बैठा होगा उसकी लंबाई नहीं ली जाएगी, अगर तब हम इसमें दूरी की जगह पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ 250 है तब 450 होता, और अगर ये ट्रेन पूरी इसको क्रॉस कर रही होती तब दोनों की लंबाई को
जोड़ा जाएगा। ठीक बच्चों, तो लंबाइयों को चाहे अपोजिट कंडीशन अपोजिट चले चाहे सेम डायरेक्शन में चलें, हमेशा जोड़ा जाता है। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसमें लंबाई को जोड़ा नहीं जाता है, घटाया कभी नहीं जाता है बच्चों। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, अपोजिट में जुड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में घटते हैं, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है, चाहे अपोजिट चले चाहे सेम डायरेक्शन में चले। बस एक केस में नहीं जुड़ती है, कब, जिस जो ये वाला केस है जिसमें ट्रेनें क्रॉस नहीं कर रही होती हैं, उसमें बैठा आदमी क्रॉस कर रहा होता है। ठीक बच्चों, तो बेसिक सवाल कैसे कैसे अभी तक हम लोग ने पढ़े हैं इसमें, कि पहले में ऑब्जेक्ट जीरो लंबाई का था, उसकी चल भी नहीं रहा था, फिर वो चलने लगा, फिर उसकी लंबाई हुई। दो केस बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, इस तरह से हम लोग बेसिक पूरा ये पढ़ा हम लोगों ने। इसके आगे चले बच्चों, अब आ जाओ इसमें, अब थोड़े से और अच्छे सवाल है इसमें ट्रेन के बेसिक में, जिसमें थोड़ा हम लोग को और मतलब नया कुछ पॉइंट मिलेगा। तो जैसे ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है बच्चों, एक ट्रेन एक पोल को 20 सेकेंड व 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई क्या है। तो ये सवाल में दो सवाल मिला दिया गया है बच्चों, दो क्वेश्चन को मिला दिया गया है। हम लोग इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान देना क्या सवाल है बच्चों। एक ट्रेन एक पोल को, क्या सवाल है बच्चों, एक ट्रेन है ये, जब एक पोल को क्रॉस करती है तब कितना समय लगाती है बताओ, 20 सेकेंड। और यही ट्रेन जब एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब कितना समय लगाती है बच्चों, 30 सेकेंड। अब ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई क्या है, तो दोनों सवाल को, ट्रेन की चाल अगर पूछता है तब तो एक तरीका होगा, है ना, और अगर लंबाई पूछता है तब दो तरीके होंगे। तो समझते हैं बच्चों, तो पहला बेसिक तरीका ये हो जाएगा कि यहाँ पर ट्रेन पोल को पार कर रही थी, यहाँ पर वही ट्रेन है बच्चों, वही ट्रेन है, लेकिन यहाँ किसको पार कर रही है बताओ, प्लेटफॉर्म को, तो इसीलिए क्या हुआ बताओ, 10 सेकंड ज़्यादा लगा। तो क्या कहोगे बच्चों, बढ़ी दूरी कितनी आ गई बताओ, बढ़ी दूरी कितनी है बताओ बच्चों। ट्रेनें तो दोनों जगह सेम है, एक जगह पोल था एक जगह प्लेटफॉर्म है, तो बढ़ी दूरी यही तो है 350, और बढ़ा समय कितना है बच्चों, बढ़ा समय जो है वो कितना है बताओ, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में, 10 सेकंड बढ़ा समय है, उस 10 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल हुई बच्चों, 350। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रेन की चाल कितनी आ गई बताओ, ट्रेन ने 350 दूरी को चलने में कितना समय लिया होगा बच्चों, 10 सेकेंड। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई बताओ, 350/10, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। ये हुआ, ठीक है, क्या करेंगे बोलो, एक सवाल हो गया ये, मीटर पर सेकेंड में आंसर हो गया बच्चों, है ना। फिर से सुन लो बच्चों क्या कह रहा है, कि अगर चाल पूछता है तब यही तरीका लगा पाओगे, कि यहाँ पे बड़ी दूरी कितनी है बताओ, दोनों जगह पे प्लेट ट्रेन तो सेम है ना, अंतर क्या हुआ है, यहाँ पे पोल है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लंबाई जीरो है, इस केस में क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट 350 लंबाई का है, तो बड़ी दूरी ये है और उसको पार करने में बड़ा समय 10 सेकंड है, चाल पता चल गई। अब चाल पता चल गई है तो यहाँ से या यहाँ से लंबाई पता कर सकते हो बच्चों, यहाँ से पता करोगे तो 35 मीटर पर सेकेंड की चाल से कितनी देर में पोल को पार करती है बच्चों, 20 सेकेंड में। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई बताओ, 700। तुम चाहे तो यहाँ से निकाल लो, और अगर चाहो तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ से 30 सेकंड में, तो 35 मीटर पर सेकंड की चाल से कितनी देर में बच्चों, 30 सेकंड में ये दूरी आ जाएगी, उसमें से जो प्लेटफॉर्म है वो हटा दो, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम में बढ़ जाएगा बच्चों, तो ज़्यादा अच्छा है कि ये तरीका लगाओ। ठीक है, तो दो सवाल बनते हैं इसमें, चाल पूछा जाएगा तब ये हुआ, और अगर ट्रेन की लंबाई पूछी जाएगी तब ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर चाल पूछा जाए तब तो यही तरीका ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तब ये तरीका लगाओगे तो क्या दिक्कत आएगी, पहले तुम चाल निकालोगे फिर ये निकालोगे, दो स्टेप में सॉल्व होगा ना, बोलो बच्चों। या अगर तुमसे ये पूछा गया था तो यही करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये पूछा जाएगा तब क्या दिक्कत आएगी, अगर तुम यही तरीका लगाओगे तो पहले चाल निकाल लो, उस चाल से तब ये सॉल्व हो पाएगा, तो डबल स्टेप हो जाएगा बच्चों। तो तुम चाहो तो इस सवाल को ये पूछा जाए तब ऐसे ही करो, और अगर ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तब ऐसे ना सॉल्व करो, बल्कि इसे रेशियो सॉल्व कर लो। कैसे बच्चों, देखो रेशियो कैसे सॉल्व होगा, ये हटाते रहें, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा, रेशियो से यही काम करें बच्चों। तो देखो रेशियो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ
देखो रेशियोज बच्चों, तो ये बताओ रेशियो से क्यों सॉल्व हो जाएगा, पहले ये सुनो। तो दोनों जगह ट्रेन तो सेम है, दोनों जगह ट्रेन सेम है बच्चों, तो अब बताओ चाल तो फिक्स, जो ट्रेन सेम है तो चाल भी सेम रहेगी, तो चाल फिक्स है, चाल फिक्स है। अब बताओ बच्चों समय का रेशियो क्या आ रहा है, बताओ समय का रेशियो क्या आ रहा है, बताओ एक बार समय लग रहा है 20 और एक बार समय लग रहा है 30, समय का रेशियो 20-30 है, यानी कितना है बच्चों 2 से 3 है। अब क्या बताया गया था, अगर चाल फिक्स है तो जो समय है वही दूरी होगा, तो दूरी का भी रेशियो क्या होगा बताओ 2 और 3 का है। चाल अगर फिक्स है तो जो जितने समय चलेगा, पहले वीडियो में बताया गया था बच्चों, तो जो समय है वही दूरी है, तो दूरी का रेशियो भी क्या आ गया 2 और 3 का। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या जाएगा, तो ये इन दोनों केस में जो दूरी बढ़ी है वो क्या है बताओ, 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ना, बोलो बच्चों इन दोनों जगह पे ट्रेन तो सेम थी, तो यहाँ पर ये जो दूरी बढ़ी है एक, ये क्या है बच्चों, ये प्लेटफॉर्म है, बड़ी दूरी जो है वो प्लेटफॉर्म है ना, तो एक बराबर कितना है बताओ 350 है, एक बराबर 350 है प्लेटफॉर्म की लंबाई बच्चों, तो 2 बराबर कितना आ गया बताओ 700, 2 बराबर 700, तुम चाहो तो यहाँ से निकाल लो, और अगर यहाँ से निकालोगे तब क्या करोगे बच्चों 3 बराबर 1050 आएगा, उस 1050 में से 350 हटाओगे, है ना, ये वाला काम करोगे, तो ये तरीका हुआ बिना। अब बताओ यहाँ पे चाल की जरूरत पड़ी नहीं तुम्हें ना, कैसे सॉल्व कर लिया, फिर सुनो बच्चों क्या करोगे, चूंकि चाल फिक्स है इसलिए चाल को इग्नोर कर दो, समय कितना कितना लगा है 20 सेकंड 30 सेकंड, तो जो समय है वही क्या है बताओ दूरी होगा। अब दूरी का रेशियो 2 और 3 का है, तो बोलो बच्चों दोनों जगह ट्रेन सेम है तो 2 ट्रेन की लंबाई है, और एक क्या है बताओ एक प्लेटफॉर्म है, तो एक बराबर कितना है प्लेटफॉर्म 350 दिया गया है। अब तुमसे ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है, यहाँ से निकाल सकते हो और यहाँ से निकाल सकते हो, सबको समझ आया बच्चों, तो ये हो गया रेशियो से। और अगर चाल पूछा जाएगा तब तुम्हें चाल को वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, सबको समझ आया बच्चों 8वां सवाल। और देखो बच्चों इसके आगे चलें, अगले सवाल में आओ। अब देखो उसी टाइप का सवाल एक और है, अब की थोड़ा और अच्छा सवाल है, वो क्या कह रहा है सुनना, क्या कह रहा है बच्चों सुनो, तो इसमें कह रहा है एक ट्रेन एक 450 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में और 600 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताओ और ट्रेन की चाल बताओ। अब इस सवाल में बिल्कुल उसी तरह से बच्चों क्या करेंगे, अगर बेसिक तरीका लगाओगे तब 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय बच्चों 25 सेकंड और 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय बच्चों 30 सेकंड लगाती है। अब उस ट्रेन की चाल उसकी लंबाई बतानी बच्चों, तो क्या करेंगे बोलो, अगर चाल निकाल पूछा जाए तो चाल के लिए क्या करोगे बोलो, ट्रेन दोनों जगह सेम थी, एक जगह पुल कितना था बताओ 450, एक जगह पुल कितना था बच्चों 600, तो बोलो बच्चों चाल कैसे निकलेगी, दोनों जगह ट्रेन सेम था, एक जगह पुल की लंबाई 450 है एक जगह 600 है, तो बड़ी दूरी कितनी है बताओ बच्चों, बड़ी दूरी यहाँ से आ गई 150 और बढ़ा समय कितना आ गया बच्चों, बढ़ा समय कितना आ गया बच्चों 25 सेकंड और 30 सेकंड यानी 5 सेकंड, तो बढ़ा समय 5 सेकंड, तो यहाँ से चाल पूछा जाए तो 30 मीटर पर सेकंड, सबको समझ में आ गया बच्चों, चाल पूछा जाएगा तो यहाँ से और यहाँ में बढ़ी दूरी कितनी है बताओ बच्चों, यहाँ पे 450 ट्रेन दोनों जगह सेम है, 450 और 600 में अंतर कितना है 150 का, और उसको पार करने में समय कितना लग गया बताओ 5 सेकंड, तो चाल कितनी आ गई बताओ 30 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको यूज़ करोगे तब यहाँ से सॉल्व करोगे तब क्या करोगे बच्चों, 30 × 25 करोगे कितना आ जाएगा 750, ये कुल दूरी आ जाएगी, इसमें से 450 हटा दोगे एक तरीका बच्चों, और दूसरा तरीका क्या आ जाएगा 30 × 30 करोगे ये 900 आ जाएगा, उस 900 में से 600 हटा दोगे, तो ये हो गया दो तरीका बच्चों, है ना। पहला तरीका, अगर इसमें ये तरीका क्यों नहीं ठीक है, चाल पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा तब जाके दूसरे स्टेप में सॉल्व होगा, है ना, तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, अगर चाल पूछा जाए तब तो यही तरीका लगाओ, नहीं तो हमेशा अभी वाला तरीका रेशियो से देखो, ये तरीका समझ गया ना बच्चों, यहाँ से ये तुम्हें दो स्टेप में सॉल्व होगा, पहले ये निकालना पड़ेगा फिर ये निकालना पड़ेगा, और नहीं तो देखो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो बच्चों, ये मिटा दे रहे हैं, अब दूसरा तरीका इसका क्या हो जाएगा, बिना चाल निकाले, है ना, बिना चाल निकाले, देखो बच्चों ध्यान देना, दोनों जगह ट्रेन सेम है, ध्यान देना बच्चों दोनों जगह ट्रेन सेम है, एक जगह प्लेटफॉर्म 450 एक जगह 600 है, तो आप सबसे पहले क्या करो, चाल तो फिक्स है, चाल फिक्स है बच्चों, चाल फिक्स है, तो यहाँ पर समय का रेशियो क्या आ गया 25 और 30, यानी कितना बच्चों 5 और 6, समय का रेशियो 5 और 6 बन गया। अब दोनों जगह प्लेटफॉर्म फिक्स है, ठीक है ना, ट्रेन फिक्स है, प्लेटफॉर्म में अंतर है बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हें इसको अब तोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 को ऐसे तोड़ो,
कि एक दोनों जगह प्लेटफॉर्म सेम हो जाए और 450 भी सेम हो जाए, 600 अलग हो जाए, तो ऐसा तोड़ोगे तो कम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक जो बढ़ रहा है, या तुम इसको तोड़े बिना भी इसे को सॉल्व करोगे तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो कि जो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, एक बराबर यहाँ कितना है बताओ, 150, एक बराबर 150 है, एक बराबर 150 है, तो यहाँ से 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा 750, और 6 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 900, 6 बराबर 900। अब 750 में से 450 हटा दो, एक तरीका ये हो गया, या फिर 900 में से 600 हटा दो। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ पे चाल को यूज़ किए बिना हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरीके से दिक्कत क्या आएगी, पहले चाल निकालोगे, चाल अगर फ्रैक्शनल आती है, कठिन वैल्यू में आती है, तो उसी में टाइम बर्बाद होगा बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लंबाई अगर पूछता है तो सीधे डायरेक्ट निकालो बिना चाल निकाले। समय 25:30 यानी 5:06, तो यहाँ पर इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बराबर कितना है बच्चों, बड़ी दूरी जो है वो यही 150 है, एक बराबर 150 है, 5 बराबर निकाल लो या 6 बराबर निकाल लो। 5 बराबर जो आएगा उसमें क्या आएगा, ट्रेन प्लस ये वाला प्लेटफॉर्म, 6 बराबर क्या आएगा बच्चों, ट्रेन प्लस ये वाला प्लेटफॉर्म, तो या तो इसमें से 450 घटा दो तो आ जाएगा, या फिर 900 में से 600 घटा दो। सब लोग समझ गए बच्चों? तो ये हुआ जो है इस सवाल में, दोनों में क्या था, पहले 4-5 सवाल जो थे उसी के बाद के मिक्स क्वेश्चन इसमें थे। आगे चलें बच्चों, अब देखो ये सवाल जो है, याद करो बच्चों, ट्रेन के सवाल में, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल में एक सवाल बताया गया था तुम्हें, जिसमें हमने कहा था कि ये क्वेश्चन, हमने उस सवाल के लिए जब बताया था तो उसमें ये कहा था बच्चों कि ये क्वेश्चन फिर से ट्रेन में आएगा, तो वही सवाल पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो ट्रेन में हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को टाइम एंड डिस्टेंस के 2-3 सवालों में पढ़ चुके हैं, तो अब वही कॉन्सेप्ट दोबारा यूज़ करना है बच्चों, लेकिन अब की किस में है बताओ, ये आपकी ट्रेन में है ये सवाल। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान देना बच्चों, दो बराबर लंबाई की ट्रेन एक पोल को क्रमशः 20 और 50 सेकंड में क्रॉस करती हैं। दो बराबर लंबाई की ट्रेन है एक पोल को 20 और 50 सेकंड में क्रॉस करती हैं, वे ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी यदि एक दिशा में हो और यदि विपरीत दिशा में हो। दो सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो क्या कह रहा है, बोलो। दो ट्रेन है, दो बराबर लंबाई की ट्रेन है, एक पोल को, पहली ट्रेन बच्चों एक पोल को कितनी देर में पार करती है बताओ, 20 सेकंड में। दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन है वो पोल को कितनी देर में पार करती है बच्चों, 50 सेकंड में, 50 सेकंड में। अब दो सवाल है, फिर से सुनो बच्चों, पहली ट्रेन दोनों की लंबाई कैसी है बताओ, दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है, तो पहला सवाल जो होगा उसमें लंबाई बराबर होगी, आगे लंबाई बराबर नहीं भी हो सकती है ना, जैसा भी सवाल है सब इसमें आएगा। अब पहले शुरू चलते हैं बच्चों, पूरा सवाल क्या है, तो पहली ट्रेन 20 सेकंड में, दूसरी ट्रेन 50 सेकंड में, एक पोल को क्रॉस करती है बच्चों, दोनों की लंबाइयां कैसी हैं, बराबर हैं। अब दो सवाल है कि ये दोनों ट्रेनें अगर एक ही दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करें तब कितना समय लगेगा, विपरीत दिशा में क्रॉस करें तो कितना समय लगेगा। ठीक बच्चों, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो इस सवाल का बेस्ट तरीका जो है, जो उस समय बताया गया था टाइम एंड डिस्टेंस बच्चों, वही यहाँ पर देखो नया क्या इस सवाल में है कि जैसे वहाँ था बच्चों, है ना, क्या था नया था कि जानकारी बिल्कुल नहीं है, है ना। अगर तुम इसमें ट्रेन की लंबाई को एक्स और ये सब एज्यूम करोगे तो जानकारियाँ बहुत हो जाएंगी, है ना, बिना कुछ भी एज्यूम किए एक्स और वाई को सीधे सीधे ये बताओ, जब ट्रेन, पहली ट्रेन 20 सेकंड में पार कर रही है बच्चों, दूसरी ट्रेन 50 सेकंड में पार कर रही है, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा जिससे दोनों मुकाबला कर सके वो 100 हो जाएगा। तो क्या करो कि दोनों ट्रेनों की लंबाई को, दोनों ट्रेनों की लंबाई कैसी है बच्चों, बराबर है, तो एक्स ना मान करके पहली ट्रेन की लंबाई क्या माना बताओ, 100। 100 कहाँ से आया समझ गए ना, 20 और 50 का एलसीएम, 100, पहली ट्रेन की लंबाई को भी 100 माना और दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी 100 माना। ठीक बच्चों, बस इतना करते ही क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 20 और 50 के एलसीएम 100, पहली ट्रेन की, दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ कितनी है कैसी है बच्चों, बराबर हैं। अगर बराबर ना होती तब जैसे उसी रेशियो उसका गुणा 100 का उसमें गुणा कर देते, अभी उस पर आ रहे हैं ना, अभी फिलहाल कैसी है बताओ, बराबर हैं। तो क्या करोगे बच्चों, समझ गए कि 20 और 100 दोनों ट्रेनों की लंबाई मान ली, अब बस इतना से ही वर्बल सॉल्व हो जाएगा। एक दिशा में चलना है, एक दिशा में चलना है, तो बोलो बच्चों दूरी कितनी आ जाएगी। अच्छा यहाँ से पहले चाल भी निकाल लो, 100 लंबाई है बच्चों, और कितना समय लग रहा है बताओ, 20 सेकंड,
एक पोल को पार करने में। तो यहाँ से चाल पता चल गई कितनी आ गई बताओ, 100/20 यानी कितना बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये कितनी देर में बताओ, 50 सेकेंड में, तो इसकी चाल कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से आ जाओ सवाल में बच्चों, तो क्या हमने निकाला अभी दोबारा कि 20 सेकेंड में ट्रेन एक पोल को पास करती है, पोल को पार करते समय अपनी लंबाई चलेगी ना, तो 100 मीटर चलने में कितना समय लगा बच्चों, 20 सेकेंड, तो चाल कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर चलने में कितना समय लगा, 50 सेकेंड, तो चाल कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ बच्चों, अगर एक दिशा में होंगे तब दूरी कितनी होगी बताओ, एक दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, दूरियां हमेशा जुड़ेंगी, तो 100 100 200 दूरी हो जाएगी। और अगर एक दिशा में है तो चालें कैसी होंगी बच्चों, घटेंगी। तो यहाँ पे एक चाल कितनी है बताओ, एक तेज वाले की चाल कितनी है, 5 है, और धीरे वाले की चाल कितनी है बताओ, 2 है, तो चालें क्या होंगी बताओ, घटेंगी, तो 5 - 2 हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों, तो अगर एक दिशा में होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 200/3 सेकेंड। सबको समझ में आया बच्चों, ये हो गया। और अगर विपरीत दिशा होगी तब क्या हो जाएगा, तब दूरी तब भी वही 200 रहेगी, दूरी वही 200 रहेगी बच्चों। और चाल कैसी हो जाएगी बताओ, चाल यहाँ पे एक दिशा थी तो घट रही थी, अभी क्या होगी, जुड़ेगी, तब आंसर हो जाएगा 200/7। सबको समझ आ गया बच्चों, फिर से सुन लो, फिर एक सवाल वर्बल बताना। 20 50 क्या करोगे, एलसीएम 100, पहले की चाल 20 से भाग दोगे 100 में 5, दूसरे की चाल 50 से भाग दोगे 100 में 2, यह आ गया 5 और 2 मीटर पर सेकेंड चाल आ गई बच्चों। अब अगर विपरीत दिशा एक दिशा है तब क्या होगा, जो है दूरियां जुड़ेंगी, चालें घटेंगी, तो भी 200/3 आ जाएगा। और अगर विपरीत दिशा होगा तो दूरियां भी जुड़ेंगी और चालें भी जुड़ेंगी, तो 200/7 आ जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों, एक और सवाल जल्दी से देख लो इसी पर, जैसे इसमें नहीं हम लिख के बता रहे, बताना बच्चों। पहली ट्रेन पार करती है 30 सेकेंड में, दूसरी ट्रेन पोल को पार करती है 40 सेकेंड में, आप क्या करोगे, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, लंबाइयाँ बराबर हैं तो 120 हो जाएगा एलसीएम, पहली की लंबाई 120, दूसरी की लंबाई 120। तो अगर एक चाल पहले निकाल लो तो एक की चाल कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की चाल आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। आप बोलो बच्चों, एक दिशा होगी तब भी दूरी 240, विपरीत दिशा होगी तब भी दूरी 240, अगर विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ेंगी, 4 और 3 जुड़ जाएगा, एक आंसर विपरीत दिशा का, और अगर सेम डायरेक्शन होगा तब चालें घटेंगी, ये हो गया आंसर। आया बच्चों, तो ये बहुत आता है पेपर में ये सवाल, तो जो है ठीक है, एक सवाल हमने मतलब कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा तुम्हें, सीधे सीधे तुम आंसर लिख सकते हो, है ना बच्चों। लंबाइयाँ बराबर है तो लिख सकते हो, लंबाइयाँ बराबर नहीं है तो भी लिख सकते हो। आगे चलें हम लोग, अब देखो बच्चों इस सवाल में क्या अलग है, इस सवाल में क्या अलग है बताओ। अभी हमने क्या कहा, लंबाइयाँ बराबर है तो लिख सकते हो, नहीं बराबर है तब भी लिख सकते हो। अब बोलो बच्चों इस सवाल में क्या है, पढ़ो, तो यहाँ पर लंबाइयाँ बराबर नहीं है। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 3 और 4 के रेशियो में है, एक पोल को क्रॉस करने में क्रमशः 25 व 30 सेकंड का समय लेती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी, ठीक बच्चों। तो क्या करोगे, दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ 3 और 4 के रेशियो में हैं, तो आप सबसे पहले नियम के साथ चलो बच्चों, तो 30 और 40 हमारी लड़ाई किससे बताओ, 25 और 30 तो किससे लड़ाई है बताओ बच्चों, 25 और 30 से, तो 25 सेकेंड और 30 सेकेंड, 25 और 30 के हिसाब से एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 25 पूरा ले लो, और यहाँ पर क्या अभी बच गया बच्चों, 3 और 2 बच जाएगा, 25 पूरा ले लोगे और या दो तरीके से बच्चों, या तो 25 पूरा ले लो और यहाँ से 6 ले लो, तो कितना आ जाएगा, 150, एलसीएम 150 आ जाएगा, 150, या फिर 30 यहाँ से ले लो और एक और 5 ले लो, एलसीएम निकाल लो कुल मिला के, एलसीएम कितना आ गया बताओ, 150। अब बोलो बच्चों, अगर दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ बराबर होती तब क्या लेते हम लोग, 150 150, यही ना बच्चों अभी जो पिछले सवाल में था, लेकिन यहाँ पे बताओ क्या कह रहा है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ बराबर नहीं है, किस रेशियो में है बताओ, 3 और 4 के रेशियो में। अब बोलो बच्चों, 150 का साथ में रहना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारा मुकाबला आगे चल के 2530 से होना है, इसीलिए 150 हम लोग के लिए एक तरह से कवच है ना, जो है सुरक्षा के लिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, तो 150 तो लेके चलना ही चलना है। अब बोलो बच्चों, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ अगर बराबर होती तो इससे पहले वाले सवाल की तरह दोनों की लंबाइयाँ 150 150 ले लेते हम लोग, लेकिन अब लंबाइयाँ बराबर नहीं है, तब बोलो बच्चों क्या करोगे,
जिस रेशियो में है उतने का गुणा कर दोगे। अब क्या हो गया बच्चों, अब 150 कैंसिल होने पर रेशियो भी वही मेंटेन रहेगा, साथ में 150 का कवच भी हमारे पास है। समझ में आ गया बच्चों? तो लंबाइयां ना बराबर होने पर इस तरह से, बराबर होती तब 150-150 हो जाता, बराबर नहीं है तब इस तरह से। अब बाकी सब वही है बच्चों, क्या करेंगे बोलो। 25 सेकेंड में ये दूरी पार होती है, ये दूरी कितनी देर में पार होती है बच्चों? 30 सेकेंड में। तो यहाँ से चाल कितनी आ जाएगी बोलो, 25 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगी, 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कितना, 5 चौके 20 आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक बच्चों, फिर से समझो, पहली ट्रेन की लंबाई क्या मान लोगे बोलो, 150 × 3। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 150 × 4। अब कितनी देर में ये पोल को क्रॉस करती है, 25 सेकंड में। तो चाल कितनी आ गई पहली ट्रेन की बोलो, 80। और इसी तरह से दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन कितनी देर पार करती है बच्चों, 30 सेकंड में। 30 से भाग दोगे समझ गए ना, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये दूसरे की चाल आ जाएगी। अब ये हो गया सवाल, क्या कह रहा है बच्चों, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। अगर दो सवाल बनेंगे इसमें, कौन कौन से बोलो, अपोजिट, जैसे अभी तक बन रहे थे अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, तो बोलो क्या हो जाएगा, दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों। अगर विपरीत होगा तब और सेम होगा तब दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, दोनों को जोड़ा जाएगा ना, तो दोनों जुड़ेंगी तो 150 × 7 आ जाएगा ना, तो दूरी यह आ जाएगी। और दोनों केस में दूरियाँ जुड़ेंगी, चालें कितनी आ जाएगी बच्चों, अगर विपरीत कहा जाएगा तो चालें जुड़ जाएंगी, तो 20 और 18, तब ये आंसर हो जाएगा। और चाल कितनी है देखो, ये ना बच्चों 20 और 18 है तो जुड़ जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तब, सेम डायरेक्शन होगा तब घट जाएगा। तो ये हो गया, सबको समझ आया बच्चों? तो ये है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे लंबाई बराबर हो और चाहे ना हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लंबाई बराबर थी बच्चों, इस क्वेश्चन में बराबर नहीं है, सवाल वही तो बनेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने का समय और सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने का समय। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों। अब देखो और अच्छा सवाल बच्चों, है ना, पिछले सवाल में देखो इसी कॉन्सेप्ट पर ये तीसरा सवाल हुआ, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट अकेले सवाल से नहीं समझ आएगा, पहले में लंबाई बराबर थी, दूसरे में लंबाई अलग अलग थी, अब देखो क्या अलग है। अब पढ़ो बच्चों, तो क्या अलग है इस सवाल में, तो देखो दो ट्रेन एक पोल को क्रमशः 12 सेकेंड और 15 सेकेंड में क्रॉस करती हैं, यदि उनकी चाल का रेशियो 5 और 7 का है तब एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। समझ गए ना, तो चाल का रेशियो कितना है 5 और 7 का, यहाँ पे चाल दी गई है बच्चों। अब थोड़ा अलग हुआ सवाल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब चाल दी गई है तो बोलो बच्चों चाल का रेशियो क्या है बताओ, 5 और 7 का है, और इस चाल के रेशियो से कितना कितना समय लगा है बताओ, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड। तो क्या करो कि तब एक दूसरे, ये दो सवाल है बच्चों, तो यहाँ पर चाल 5 और 7 दिया गया है, तो इसी को चाल मान लो कि माना कि चाल क्या क्या है बताओ, 5 और 7 है। अब बोलो बच्चों, चाल अगर 5 और 7 मान लोगे तो बोलो जो चाल गुणे समय करोगे तो क्या आएगा बताओ, दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 12 × 5 करोगे और 15 × 7 करोगे। सब लोग समझ गए बच्चों, चाल और समय, चाल 5 और 7 मान लिया हम लोगों ने, रेशियो को ही एग्जैक्ट चाल मान लिया। ये 5 की चाल से 12 सेकंड में पोल को पार करती है, तो जो दूरी है वही ट्रेन की लंबाई आ गई ना। दूरी किस क्या पार करती है बताओ, पोल को पार करने में ट्रेन क्या पार करेगी बच्चों, अपनी लंबाई। तो 5 की चाल से अगर 12 सेकंड में पार कर रही है अपनी लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई बताओ, 12×5 = 60। और 7 की चाल से 15 सेकंड में पार कर रही है, तो बोलो बच्चों 105 आ गया। अब क्या कहोगे, अगर सेम डायरेक्शन है तब ये कितना आएगा बच्चों, 60, और ये कितना आएगा बताओ, 105। अब बोलो बच्चों, अगर दूरी सेम डायरेक्शन है चाहे अपोजिट है, दूरी तो हमेशा जुड़ेगी, तो दूरी ये आ जाएगी बच्चों। चाल कितनी है बताओ, 5 और 7 की है, सेम डायरेक्शन है, तो 7 में से 5 हटा दोगे, ये हो गया आंसर। और अगर अगला सवाल है विपरीत दिशा है तब क्या करोगे बच्चों, 105 और 60 तब भी जुड़ेंगे, और अब क्या करोगे, विपरीत दिशा है तो 7 और 5 जुड़ेगा, ये हो गया बच्चों। सबको समझ में आ गया इस तरह से इसे। ठीक है, क्या करेंगे, चाल 5 और 7 है, समय 12-15 है बच्चों, तो इसी के हिसाब से क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, लंबाई आ जाएगी। क्यों लंबाई आ गई,
जो दूरी क्या हुई बच्चों, ट्रेन अपनी दूरी जो पोल को क्रॉस करने में अपनी लंबाई तो क्रॉस करेगी, तो जो दूरी है वही लंबाई है। अब दोनों की लंबाई हमें पता चल गई, पहली ट्रेन की 60 है बच्चों, दूसरी ट्रेन की 105 है। अब क्या कह रहा है तुमसे कि एक दूसरे को क्रॉस करने में अगर सेम डायरेक्शन है तब तो सेम डायरेक्शन है तो दूरी ये होगी, अपोजिट है तब भी दूरी ये होगी। सेम डायरेक्शन में चाल जो हो जाएगी 7-5 होगी, अपोजिट में 7+5 होगी। सबको समझ आ गया बच्चों, ये है इसके आगे चलें। इसी टाइप का सवाल फिर है, अब बोलो बच्चों क्या है इसमें, वही टाइप सवाल है। देखो एक ही दिशा में चल रहे दो आदमी जिनकी चाल 4 और 5 है, एक ट्रेन को क्रमशः 10 और 12 सेकंड में क्रॉस करते हैं। तो अब यहाँ पे भी वही सवाल है बच्चों, एक ही दिशा में चल रहे दो आदमी की चाल 4 और 5 है, वे एक ट्रेन को क्रमशः 10 और 12 सेकंड में क्रॉस करते हैं, ट्रेन की चाल व ट्रेन की लंबाई बताओ। तो यहाँ पर अगर बेसिक तरीका लगाओगे, दो आदमी की चाल 4 और 5 की है, ट्रेन को 10 और 12 में पार करते हैं, तो बेसिक तरीका से अगर सॉल्व करते हो तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, ट्रेन की इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ट्रेन की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लो बच्चों, है ना। अच्छा आप देखो समय और बताया गया था बच्चों पहले ही वीडियो में कि जो है अगर दूरी फिक्स है, दूरी अगर फिक्स है तब चाल और समय का जो संबंध होता है वो अपोजिट होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि V1 और V2 अगर चाल का रेशियो है तो समय का रेशियो ये कब इसके बराबर होगा बच्चों, तो ये अपोजिट होता है T1 के साथ, समय के साथ। तो यहाँ पे V1 के सामने T1 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा बच्चों, T2 अपोजिट हो जाएगा। तो V1/V2 = T2/T1 कह सकते हैं। अब बोलो बच्चों, दो एक ही दिशा में चल रहे दो आदमी जिनकी चाल 4 और 5 की है, एक ट्रेन जिसकी चाल कितनी है x है, वो 10 और 12 सेकंड में पार करती है, तो क्या कहोगे बच्चों, ट्रेन की चाल अगर x है तो पहले आदमी के रिस्पेक्ट में चाल कितनी आ जाएगी बच्चों, x-4। ट्रेन की चाल x मानी गई है, सेम डायरेक्शन है ना, तो x-4 दूसरे आदमी के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी बच्चों, x-5। ये दोनों की चाल का रेशियो हो गया और ये बराबर होगा बच्चों किसके, समय के रेशियो के। तो समय का रेशियो उल्टा लिखा जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, 10/12 नहीं बल्कि 12/10 ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये बताओ, सब लोग ध्यान देना बच्चों, जब हमने पहली बार ये पढ़ा था तो ये दिमाग में आया कि ये तो किलोमीटर पर आवर में है और ये किस में है बच्चों, सेकेंड में है। तो यहाँ पर इस सवाल में यूनिट सेम नहीं करो, है ना, क्योंकि अगर इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 5/18 का दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऐसे ही बना रहने दो। अब एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, चाल पता चल जाएगी, कितना आ जाएगा बच्चों, 10x और 40 = 12x और 60 ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये उधर आ जाएगा, तो 2x = ये इधर ले आओगे तो 20 आ जाएगा, x = 10 आ जाएगा। तो एक टर्म पता चल गया बच्चों, एक टर्म पता चल गया, क्या पता चल गया हम लोगों को, एक ट्रेन की चाल पता चल गई, ठीक है ना, x-4 x - ये = 12/10। अब एक लाइन में सॉल्व हो गया, x = 10 आ गया। अब यहाँ से जब 10 पता चल गया बच्चों, तब जो है ट्रेन की लंबाई पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब चाहे पहली जानकारी को यूज़ कर लो और चाहे दूसरी जानकारी को यूज़ कर लो, है ना। कैसे, देखो दूरी बराबर कितनी आ जाएगी बच्चों, चाल कितनी आ जाएगी बताओ, ट्रेन की चाल 10 है, पहली जानकारी को यूज़ करें, तब 10-4 आ जाएगी चाल, (5/18) कर दें तो ये क्या आ गई बताओ, चाल आ गई मीटर पर सेकेंड में बच्चों, और कितना समय लगता है बताओ, 10 सेकेंड। एक तरीका ये हो गया पता करने का, यहाँ से दूरी पता कर सकते हो, और इसके अलावा और कैसे पता कर सकते हो बच्चों, दूसरी जानकारी से भी पता कर सकते हो, कैसे, दूरी बराबर आप यहाँ पे 10-, बोलो बच्चों दूसरे की चाल कितनी, 5 है ना, तो 10-4 की जगह क्या लिखोगे, 10-5 लिखोगे, यहाँ पे 5/18 करोगे, ये चाल आ जाएगी, और अब समय कितना हो जाएगा, 10 की जगह क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। तो दो तरीके से दूरी निकाल सकते हो और चाल निकालना है तब इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए बच्चों। तो ये जो है
सवाल हमने ट्रेन के बेसिक पूरे बता दिए बच्चों, पूरे तो नहीं अभी बचे हैं, तो एक क्लास अभी और लेंगे, उसमें सवाल फिर बताएंगे, ऐसे फिर बोर्ड के बताएंगे, ऐसे फिर रेस के बताएंगे, तब जाके बच्चों रेस गेम एंड स्किल पूरा होगा। और एडवांस में पीएनसी प्रोबेबिलिटी में अभी मिक्स सवाल हमने दो तीनों का बेसिक बता दिया है, अब तीनों के मिक्स सवाल बताएंगे, फिर एडवांस में सर्ट से सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, और बेसिक इसमें एलिमेंट्री में अगला टॉपिक रेशियो होगा। ठीक बच्चों, पीडीएफ मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का जो है डाउनलोड कर दिया है, उसमें अब तुम जाके देख लो बच्चों, है ना, उसमें जो है टाइम एंड डिस्टेंस का और परमुटेशन का है। अभी जो है कल तक कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और अदर वीडियो जो अदर जो टाइम एंड डिस्टेंस रेस सब मतलब पूरा पूरा ये दोनों पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जो है फिर वो मतलब तुम्हें उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक बच्चों, तो अभी आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है, नमस्कार।